नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी जो है वो प्लेयर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ पार्ट टू लेके। जी हाँ, हमने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करा था, जिसमें हमने पार्ट 1 में देखा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या होता है और हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग के बारे में समझा। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम वेरियस कमिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली एग्जाम में आता है, जिसमें वेरियस कमिटीज के बारे में पूछा जाता है। सो क्या है ये कमिटी और किस चीज़ में हेल्प करती हैं? सो स्टूडेंट, हमने ये देखा कि जब भी हम स्पोर्ट्स इवेंट कराते हैं तो एक इंसान तो नहीं करा सकता है, उसमें बहुत सारी कमिटीज़ का रोल होता है और बहुत सारी कमिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इवेंट को काफ़ी अच्छे से संभाल लेती हैं और दिक्कत नहीं होती है। अब कौन सी कमिटीज़ हैं ये, वो हम देखेंगे। सो सबसे पहले आ जाता है पब्लिसिटी कमिटी। पब्लिसिटी कमिटी वो कमिटी है जो लोगों को अवेयर कर रही है कि भाई यहाँ पर इस स्टेडियम में स्पोर्ट इवेंट होने वाला है और आप लोग आ जाओ। सो बेसिकली ये एडवर्टीजमेंट का काम करती है, लोगों को अवेयर करती है कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवा दिया गया है और आपने इस तारीख को इस समय तक यहाँ पर पहुँचना है। सो बेसिकली पब्लिसिटी कमेटी एडवर्टीजमेंट का काम करती है। नेक्स्ट है फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस का मतलब ही समझ आ रहा है, मनी। सो फाइनेंस कमेटी ये बताती है कि कितना पैसा खर्च होने वाला है, किस तरीके से हम करेंगे और कितनी कमेटीज़ को कितना कितना पैसा दिया जाएगा। सो बेसिकली फंड एलोकेशन का काम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कमेटी करती है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी जो है वो प्लेयर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। अगर हमारे प्लेयर्स जो हैं वो एयरपोर्ट से आए हैं तो उनको होटल्स तक लेके जाएगी, देन होटल से उनको उस स्टेडियम में लेके जाएगी जहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है। सो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का। किसको लेके जाती है? स्पोर्ट पर्सन और उनके साथ जो आए हैं लोग, उनको लेके जाएगी। और किसकी मदद से लेके जाती है? व्हीकल्स हो सकते हैं, कोई भी मीडियम हो सकता है जिसके थ्रू वो लेके जा रही है। नेक्स्ट दे रखा है बोर्डिंग एंड लॉगिंग कमेटी। अगेन यहाँ पर एकोमोडेशन की बात होगी, जितने भी प्लेयर्स हैं उनको किस तरीके से रखा जाएगा, किस होटल में रखा जाएगा, फूड किस तरीके से मिलेगा, वो सारी चीज़ें, उनके सामान का देखभाल, ये सारी चीज़ों की जिम्मेवारी इनकी होती है। फूड, उसके साथ साथ होटल कैसे होंगे और उनके सामान की देखभाल, ये कमेटी करती है। नेक्स्ट दे रखा है रिसेप्शन कमेटी। अगेन ये वेलकम का काम करती है। अगर जितने भी प्लेयर्स हैं वो आए हैं तो उनका तिलक करना है, उनको माला पहनानी है, नहीं उनको मीठा खिलाना है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? रिसेप्शन कमेटी। ये वेलकम का काम करती है, प्लस उनका जो लगेज वगैरह है उनका भी देखभाल करती है। नेक्स्ट दे रखा है फर्स्ट एड कमेटी। अब कोई प्लेयर खेल रहा है, भाई खेल रहा है, स्पोर्ट्स में चोट लगती रहती है, तो ज़्यादा सीरियस चोट ना हो जाए, अगर चोट लगी है तो इंस्टेंट उसको कुछ क्योर मिल जाए, वो इंश्योर करती है फर्स्ट एड कमेटी, वहीं पे खड़ी रहेगी। अगर किसी प्लेयर के चोट लगते हैं तो उसको सीधा वहाँ पर ले जाया जाता है या वो खुद अपनी अटैची लेके जाएंगे और उसकी क्योर कर देते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पर समझ आया। नेक्स्ट है प्लेग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। गाइस, अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आपको बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, आपको प्लेग्राउंड भी क्लीन चाहिए होता है। सो ये सारी देखभाल कौन करता है? अगेन प्लेग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी करती है। अगर एक स्पोर्ट पर्सन को क्रिकेट खेलने के लिए बैट चाहिए, बॉल चाहिए, ये सारी चीज़ें इंश्योर कराना कि उस समय इन सब चीज़ों की दिक्कत ना हो, इक्विपमेंट पूरे हो जो भी एक क्रिकेटर को चाहिए, वो सारी चीज़ों का देखभाल करती है प्लेग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। सो गाइस, नेक्स्ट है अनाउंसमेंट एंड पब्लिसिटी कमेटी। सो बेसिकली जितने भी स्पोर्ट इवेंट होते हैं, सो आपने देखा होगा कमेंटेटर होते हैं जो हर एक चीज़ को बता रहे होते हैं कि इस प्लेयर ने सिक्सर मारा है, इसने 4 रन्स लिए हैं। सो वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा होता है? अनाउंसमेंट कमेटी दे रही होती है, जो बेसिकली लोगों को बता रही होती है कि किस तरीके से प्लेयर्स मैदान में खेल रहे हैं, टाइम को लेके, हर चीज़ को लेके कि लंच ब्रेक हो गया है, कुछ हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को कम्युनिकेट होती है तो वो अनाउंसमेंट कमेटी के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट दे रखा है प्राइज एंड अवार्ड कमेटी। अब अगर मैचेस चल रहे हैं, एंड हो गया है, तो डेफिनेटली कोई जो टीम है वो विजय हुई होगी और उनको प्राइज मिलते हैं। सो वो प्राइज इंश्योर कराना कि समय से मिल जाए, वो कौन कराएगा? प्राइज एंड अवार्ड कमेटी, कि भाई इंडिया जीत गई है, इंडिया को जो है कप मिलना है,
तो वो कप की अरेंजमेंट कौन करेगा, ये वाली कमेटी करेगी, और कौन देगा वो भी पहले से डिसाइडेड होता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि एक स्पोर्ट्स को खेलने में इतनी सारी कमिटीज़ का योगदान होता है, और ये सारी ही कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। सो इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़, यू कैन स्टे कनेक्टेड टू आर चैनल, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो, ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।